इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम मैक्स पूलिंग की बात करेंगे कि रास के अंदर कि मैक्स पूलिंग पहली बात मैक्स पूलिंग होती क्या है और इसकी डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि रास के अंदर हम लोग मैक्स पूलिंग कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग पाइथन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस. इंट्रोडक्शन टू मैक्स पूलिंग. मैक्स पूलिंग होती क्या. So, object of max pooling is to downsample an input representation, image hidden layer, output matrix etc. Max pooling का काम ये है कि आपके input को ये downsample कर देता है. अगर आपका image बहुत बड़ा है, आपका image की dimensions बहुत बड़ी हैं, so उनको downsample means कि उनको छोटा कर देता है. अगर आपका image 64 bit का है, तो उसको 32 bit का कर देता है. एंड सो ऑन सो फोर्थ. अगर आपका 32 बिट का है तो उसको और छोटा कर देता है. उसमें से सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके जो उसने यूज़ करनी है और बाकी जो इन्फॉर्मेशन जो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको इग्नोर कर देता है. सो ये मैक्स पूलिंग का काम है और इसको करते कैसे हैं अभी आगे देखते हैं. सो अभी रिड्यूसिंग इट्स लेट्स रीड अहेड. रिड्यूसिंग इट्स डायमेंशनैलिटी एंड अलाउंग फॉर द अजम्पशंस टू बी मेड अबाउट फीचर्स कंटेन्ड इन सब बिन रीजन्स. उसकी डायमेंशनैलिटी रिड्यूस कर देता है. अगर एक इमेज पिक्सल, अगर एक इमेज है उसमें पिक्सल्स होते हैं, यू नो एज यू नो कि उसमें पिक्सल्स होते हैं, और अगर उन पिक्सल्स को वो उनका साइज कम कर देता है, उन पिक्सल्स का नंबर कम कर देता है. जस्ट लाइक आई टोल्ड यू कि 64 बिट का अगर इमेज है उसको 32 बिट का कर देता है. तो एज यू नो कि अगर 32 बिट का करेगा तो उसका मैट्रिक्स का साइज छोटा हो जाएगा और उससे क्या होगा कि उसकी डायमेंशंस कम हो जाएंगी. तो यही काम मैक्स पूलिंग का है. सो लेट्स सी इसको करते कैसे हैं. हियर इज एन एग्जांपल जो आप देख सकते हैं. एक इमेज है जो कि 4x4 का है और हम लोग उस पर 2x2 का फिल्टर लगा रहे हैं. एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोगों ने जो फिल्टर स्ट्राइड लिया है, फिल्टर जो हमारा फिल्टर है उसका साइज है 2x2 का और उसके स्ट्राइड्स हैं 2. स्ट्राइड मीन्स कि वो कितने स्टेप्स आगे लेगा. सही है. सो 2x2 का फिल्टर लिया और हमने उसको कन्वॉल्व किया, उसको चेक किया मैक्सिमम फंक्शन इनमें कौन सा है. If you'll see यहाँ पे मैक्सिमम इस वाले बॉक्स के अंदर, फर्स्ट इमेज के बॉक्स के अंदर, इसमें मैक्सिमम जो नंबर है वो है 5. सो हम लोग सिर्फ इसमें से 5 को लिख लेंगे एक जगह पे, जिस तरह यहाँ पे दूसरी जगह पे लिख लेंगे. अब दूसरे बॉक्स को देखेंगे जो 2x2 है इन फर्स्ट इमेज, जिसमें 4032 कंसिडर करेंगे हम लोग, इसमें से मैक्सिमम नंबर कौन सा है. यस 4. सो हम लोग 4 को उसके साथ लिख लेंगे. अब नीचे आ जाएं, उसी इमेज के अंदर वही 4 बॉक्सेस देखें, क्योंकि हम लोग 2x2 का फिल्टर यूज़ कर रहे हैं. सो हम लोग 4 बॉक्सेस देखेंगे. सो 0, 4, 1, 0, इनमें से मैक्सिमम नंबर किसका है, 4 का. तो हम लोग 4 लिख लेंगे. और यहाँ पे अगले पार्ट में देखें 6 मैक्सिमम है और इसमें यहाँ पे हम लोग 6 लिख लेंगे. हम लोगों ने फर्स्ट इमेज में से 2x2 के फिल्टर की मदद से और विद स्ट्राइड 2 हम लोगों ने एक आउटपुट जनरेट किया है जिसको मैक्स पुलिंग आउटपुट कहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसमें से सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटपुट्स जो थे उनको गेट कर लिया है. एंड वी इग्नोर्ड ऑल दोज लोअर इंडेक्स्ड पिक्सल्स. सो यही मैक्स पूलिंग का काम है. और ये एक छोटी एग्जांपल थी और आगे हम लोग एक बड़ी एग्जांपल देखते हैं. इट्स एन इमेज पोर्शन अगेन. नंबर ऑफ पिक्सल्स रिप्रेजेंट, यू कैन कंसीडर इट एज एन इमेज, होल इमेज एज इट्स ऑफ 4x4. और अब हम इसमें 3x3 का फिल्टर इस्तेमाल करने लगे हैं विद स्ट्राइड 1.
3x3 मीन्स अब हम लोग 3x3 का फिल्टर देखेंगे और इसमें देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और 1 के स्ट्राइड पे. 1 का स्ट्राइड मीन्स कि हम लोग एक एक स्टेप लेंगे, सिर्फ एक एक स्टेप. अब देखें अगर आप फर्स्ट 3 पिक्सल्स को देखें, 1, 2, 3 एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, सो इनमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर आता है 5 का. सो हम लोग 5 को लिख लेंगे टॉप पे. हम लोग वन स्टेप आगे चलेंगे, बिल्कुल वन स्टेप. 3, 4, 0, 5, 3, 2, 4, 2, 3 और इसमें मैक्सिमम नंबर फिर 5 आता है, तो हम लोग 5 फिर यहाँ पर लिख देंगे. अब इसी तरह हम लोग यहाँ से नीचे जाएंगे, एक स्टेप नीचे जाएंगे और यही स्टेप दोबारा रिपीट करेंगे और यहाँ भी मैक्सिमम नंबर आता है 6 का. 6 का, एज यू कैन सी यहाँ पे मैक्सिमम नंबर आता है 6 का. विल राइट हियर 6 और उसकी स्ट्राइड को एक स्टेप आगे लेके जाएंगे, एक स्टेप बिल्कुल बिल्कुल एक स्टेप आगे लेके जाएंगे और वहाँ पे भी हमारे पास मैक्सिमम नंबर है 6 का. सो इस तरह हम लोग दोबारा से एक एक पोर्शन को नीचे करेंगे और पूरे इमेज को फिल आउट करेंगे. पूरे इमेज में से हमारे पास मैक्सिमम मैक्स पुलिंग आउटपुट जो है वो सिर्फ इतनी सी आ रही है. सो ये हमारा काम है मैक्स पुलिंग का, कि मैक्स पुलिंग आपके बड़े इमेज को, बड़े इनपुट को छोटा कर देता है. अब हम इसको कोड में देखते हैं कि कोड में मैक्स पुलिंग कैसे इम्प्लीमेंट होती है. आफ्टर एडिंग अ लेयर, आफ्टर एडिंग अ कॉन्वोल्यूशनल लेयर, हम लोग मैक्स पुलिंग को ऐड करते हैं, जिसमें मॉडल डॉट ऐड मैक्स पुलिंग 2D पूल साइज. पूल साइज में हम लोग बताते हैं कि उसका कितना साइज है उस फिल्टर का. सो 2x2 का फिल्टर है और हम लोग इस तरह इसको डिफाइन करते हैं. और यहाँ पे हम लोग अब देखेंगे कि पाइथन में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं विद द रेस्ट ऑफ द कोड. एज यू कैन सी यहाँ पे हमने दो लेयर्स ऐड किए हैं, जिस तरह पहले की थी, बल्कि यहाँ पे हमने 3 लेयर्स ऐड किए हैं और उसके बाद हम लोगों ने आखिरी लेयर के बाद हमने मैक्स पुलिंग की एक लेयर ऐड की है. एंड लेट्स सी इसके क्या स्टार्ट्स आते हैं इन समरी. आफ्टर रनिंग दिस कोड हम लोग देख सकते हैं कि लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 3 के बाद हम लोग के पास मैक्स पुलिंग की एक लेयर आ रही है, जिससे हुआ क्या है कि हमारा जो साइज था, आउटपुट शेप था, वो छोटा हो गया. जो 24x24 था वो 12x12 हो. सो यही काम है मैक्स पुलिंग का और हमने इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखा है कि मैक्स पुलिंग होती क्या है और उसको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं इन केरास यूजिंग पाइथन. थैंक यू.